इतने लंबे समय से हमारे खाप की सरदारी को बदनाम किया गया कि ये ऑनर किलिंग करते हैं। क्यों वो 2003 में करोड़ा कांड होता, क्यों ये जरूरत आती? जरूर मैं ऑनर किलिंग को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसकी जिम्मेवार वो सरकारें ही हैं या मौजूदा सरकारें। हम हजारों सालों से एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो अपने भाईचारे पे डिपेंड करती है। ऐसे ही जो संगोत्र है उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आपस में रिश्तेदार हैं, मतलब बहन भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, दादे हैं, या महिला है तो वो उसके हिसाब से नाते हैं। वहाँ हमेशा एक परंपरा चली है, आपस में हमने न्योंदे निंदार करे हैं। न्योंदे निंदार का मतलब होता है एक दूसरे के सुख दुख, ब्याह शादी, हर जगह जाना। क्यों गांव के गांव में बच्चे आपस में एक साथ रहने लगेंगे? क्यों एक गोत्र में बच्चे शादी करेंगे, साथ रहने लगेंगे, और क्यों ही ग्वांडों में? और खापों को क्या जरूरत पड़ेगी इस तरीके की ऑनर किलिंगों को अंजाम देने की? देखिए जी, जैसे कि मैंने पहले भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के साथियों के माध्यम से बताया था कि हम जो ये हरियाणा की संस्कृति है इसको खराब करने के लिए जो सरकारें अपनी चालें चल रही हैं, वो आज 1 नवंबर जो कि हरियाणा दिवस का दिन है, इस दिन हरियाणा बना था और एक ऐसी संस्कृति के तौर पे बना था जिसका उद्देश्य भाईचारा था। हम हजारों सालों से एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो अपने भाईचारे पे डिपेंड करती है। भाईचारा मतलब एक गांव में जो सारे लोग रहे हैं वो हर आपस में चाचे ताऊ भाई बहन, चाचे ताऊ ताई दादी ऐसे होते हैं। ऐसे ही जो समगोत्र है उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आपस में रिश्तेदार हैं, मतलब बहन भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, दादे हैं, या महिला है तो वो उसके हिसाब से नाते हैं। ऐसे ही जो हमारे ग्वांड हैं, ग्वांडों में जो सीम लगते हुए ग्वांड हैं, वहाँ हमेशा एक परंपरा चली है, आपस में हमने न्योंदे निंदार करे हैं। न्योंदे निंदार का मतलब होता है एक दूसरे के सुख दुख, ब्याह शादी, हर जगह जाना, मतलब वो हमारे गांव जैसी ही चीजें होती हैं जिनसे न्यू क्या करें भाई, जिस गांव गले डोला मिला उस गांव में और उस गांव में दूसरे गांव में कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि मैं पेटवाड़ गांव की बेटी हूँ और मेरे से जिन गांव की सीम मिलती है, जैसे मेरे से खांडा की सीम मिलती है, बकलाना की, उगाड़न की, नानुंद की, तुराना की, पाली की, ऐसे कई गांवों की माजरा की सीम मिलती है, मुझे पेटवाड़ में और इन सारे गाँव में कभी भी अलग नहीं देखा जाता। जब कोई बारात हमारे यहाँ से जाती है वो इन सारे गांव की और इस गोत्र की और उस गांव की 36 बिरादरी की द्याणियों को, द्याणी मतलब जो बाण बेटी हैं, जो वहां पे ब्याही गई हैं उस गांव में जहां बरात गई है, उसको मान के आते हैं। तो इन सारे गांव में शादियां कैसे हो सकती हैं? इसके साइंटिफिक रीजन भी हैं, आप सब लोगों को पता है, हमारे पास लिखित में बकायदा सारी चीजें हैं कि किस क्यों इन सारी चीजों में, इन तीनों चीजों में शादियां नहीं होनी चाहिए। और जब स्टेट एक्ट हो सकता है भाई, मैरिज एक्ट में संशोधन करना, उसे बनाना ना बनाना ये स्टेट की जिम्मेवारी है, तो आज तक कानून क्यों नहीं बना? इतने लंबे समय से हमारे खाप की सरदारी को बदनाम किया गया कि ये ऑनर किलिंग करते हैं, ये तो इसलिए ये करवाना चाहते हैं। अगर ये एक्ट बन जाता इनको क्या जरूरत थी ऑनर किलिंग की? क्या क्यों होती है? क्यों वो 2003 में करोड़ा कांड होता? क्यों ये जरूरत आती? जरूर मैं ऑनर किलिंग को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसकी जिम्मेवार वो सरकारें ही हैं या मौजूदा सरकारें हैं जो इस एक्ट को नहीं बनाती। अगर ये एक्ट बन जाएगा क्यों तो गांव की गांव में शादियां होंगी? क्यों गांव की गांव में बच्चे आपस में एक साथ रहने लगेंगे? क्यों एक गोत्र में बच्चे शादी करेंगे, साथ रहने लगेंगे, और क्यों ही ग्वांडों में? और खापों को क्या जरूरत पड़ेगी इस तरीके की ऑनर किलिंगों को अंजाम देने की? तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ये लड़ाई इतनी जरूरी थी कि हम महिलाओं को सामने आना पड़ा। पहले आप लोग कहते थे भाई, सरकारें कहती थी ये तो खापे हैं, अपनी दादागिरी करने के लिए करना चाहती हैं। लेकिन मैं आप मीडिया छायाकार बंधुओं के माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ खापे नहीं हैं जिनको ये एक्ट चाहिए, ये हर आम आदमी है, हर वो लड़की है जो हरियाणा में पैदा हुई हुई है, हर वो आदमी है, लड़का है जो हरियाणा में पैदा हुआ है। कोई 100 में से एक निकम्मा पैदा हो जाता है, लेकिन बदनाम सारे 100 हो जाते हैं। जी, एक खाप पे पहले भी ये लड़ाई लड़ चुकी है और अब आप ये लड़ाई शुरू कर रहे हो, यानी क्या योजना बनाई है, किस योजना से लड़ाई लड़ोगी कि अब इसमें कामयाबी मिले आपको? क्योंकि पहले खापे, पूरे प्रदेशी खापे ये लड़ाई लड़ चुकी है, आज तक किसी महिला ने ये लड़ाई नहीं लड़ी। जी, मेरी खाप सरदारी ने ये बोला है, आज आप सारे मेरे दादा और खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये लड़ाई मैं लड़की होने के नाते से अगुवाई करके लड़ सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में भी बताया कि मैं
हर गांव से जितनी भी पंचायतें हैं हर पंचायत का रेजोल्यूशन लूंगी भाई, चाहे वो मेरे से 6800 समथिंग पंचायतें हैं हरियाणा में, मेरे से जितनी पंचायतों में पहुंचा जाएगा, 2000 में पहुंचा जाए, 3000 में पहुंचा जाए, मैं रेजोल्यूशन लूंगी बकायदा पंचायत का, पंचायत के सिग्नेचर के साथ, स्टैंप के साथ, और हम इकट्ठा चल के, खापों ने तो पहले से ही लड़ रही हैं, जब खाप पहले से ही लड़ रही हैं और वो पंचायत का रेजोल्यूशन मतलब गाँव का रेजोल्यूशन होता है, पंचायत कौन होती है, खट्टर सरकार ना मानने पंचायत कौन होती है, लेकिन हमारे लिए हमारा राष्ट्रपति गांव का, प्रधानमंत्री गांव का न्यायालय पंचायतें हैं और खापे हैं, तो खापे पहले ये लड़ाई लड़ रही हैं, अब पंचायतों का भी मैं एक एक का सपोर्ट लेटर प्लस एक एक गांव में जाके मैं खुद महिलाओं की पंचायत लूंगी ताकि हम अवेयर कर सकें, जब तक ये सरकार कानून ना बनाए कम से कम हम जाके महिलाओं को बताएं कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे मामले होते हैं 95% लड़कियां सुसाइड कर जाती हैं बाद में, जब तक, क्योंकि ये होते हैं बहुत कम उम्र में, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में बच्चा ऐसा काम कर देता है, जब जब उसको समझ में आती है तो ज़्यादातर लड़कियाँ सुसाइड कर जाती हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि लड़कियाँ इस तरीके के कदम उठाएँ, पहले ही लड़कियों के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं सबसे पहले जो ये समाज में कुरीति हो चुकी है तो हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे और हरियाणा को बचाएंगे। जी, जो सामाजिक मुद्दा है जो आपका, ये कहीं राजनीतिक मोड़ ना ले जाए। ना मेरे पहले किसी मुद्दे ने राजनीतिक मोड़ लिया है, ना मैं पहले किसी समाज की बात में मैंने राजनीति करी है, ना ही आज मैं इस बात पे राजनीति करूंगी। राजनीति करने के करने वाले 5-6 साल वोट मांगते हैं, समाज के लिए ऐसे धूपों में पैदल नहीं चलते हैं, समाज के लिए जाके ऐसे छेड़छाड़ मंत्रियों का विरोध नहीं करते हैं। मुझे मेरे समाज के ऊपर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने समाज के ऊपर राजनीति छोड़ जरूर सकती हूँ। आप हरियाणा की बात करें, सेम विलेज सेम गोत्रा बैन होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में सिरसा भी आता, वहाँ पर गाँव के गाँव में शादी हो जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 18वीं सदी की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं रिजल्ट बात कर रही हूँ। जहाँ एक खेड़ा नहीं है, कई दादाओं का खेड़ा है। गांव का मतलब होता है एक दादा का बसाया हुआ गांव। मैं ठीक तो कह रही हूँ दादा? एक दादा का बसाया हुआ गांव, उसका एक खेड़ा होता है। लेकिन सिरसा में, फतेहाबाद में, ऐसे बहुत सारे, या नू मेवात में हमारे मुस्लिम भाई हैं, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। और सिरसा फतेहाबाद में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादातर लोग राजस्थान में अलग अलग जगहों से आए हैं और उनके कई खेड़े हैं, अपने अलग अलग खेड़े, मतलब अपने अलग अलग दादा हैं जिसको हम पूछते हैं, हरियाणा में खेड़ा पूछता है, तो अलग अलग खेड़े हैं, उस गांव का एक खेड़ा नहीं है। जहां ऐसा होता है वहां हमें कोई एतराज नहीं है, हम प्रैक्टिकल समाधान चाहते हैं। लगभग 15-16 जिलों में ऐसा नहीं होता है, हम उनके लिए यह बात चाहते हैं। और कानून में एक्सेप्शन बहुत सारी चीज़ों की होती है, वो जो जिले हैं जहाँ ऐसा होता है या वो गाँव हैं उन्हें हम एक्सेप्शन के आधार पर रखेंगे। ऐसे तो शहर भी हैं, शहरों में बहुत सारी जगहों से लोग रहते हैं भाई, ऐसे तो 82 उपमंडल हैं, वहाँ पे भी जैसे नारनोंद है उबर उधर आगे अगर हम बात करें, बहुत सारे और महम है, वहाँ अलग अलग गांव के लोग रहते हैं भाई। जहाँ SDM बैठता है या जहाँ DC बैठता है वो भी एक्सेप्शन में आएंगे वहाँ, क्योंकि अलग अलग गाँव के लोग आके रहने लगे हैं। तो हम एक प्रैक्टिकल समाधान चाहते हैं, हम एक रिजल्ट समाधान नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकल समाधान ये है कि ये 15-16 जिलों में लागू हो सकता है, हमें उसमें करवाना है। कब से मुहिम शुरू करोगे आप? आज से हो चुकी है जी, बहुत जल्द, within 2-3 days मैं गांव-गांव जाना शुरू करूंगी, पंचायतों के लेटर इकट्ठा करना शुरू करूंगी, बाकी मेरे दादा और से सलाह करके कि हम पैदल कब चलना शुरू करेंगे, आप लोगों को दोबारा बुला के ये जानकारी देंगे। सोनिया जी, आज की जो पंचायत हुई इसमें हरियाणा भर से कौन-कौन सी खापे आई? लगभग सारी हरियाणा की खापे आई हुई थी, मेरे दादाजी और को ज्यादा पता है, 80 के आसपास खापों के सिग्नेचर हुए हैं, 80 के आसपास खापे पहुंची हुई थी। और हमने ये बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये पंचायत रखी थी और हम जितनी खापों तक पहुंच पाए थे 90% खापों की आज यहाँ हाजिरी थी।